Hello friends, welcome back to our channel Code Library, and this is Shailesh. And if you have not subscribed to our channel, please subscribe and press the bell icon so that you'll be notified first when we upload our new videos. So without wasting any time, let's start our video. Okay, in today's video we are going to talk about the second question of the binary tree. The question is our level order traversal, matlab reverse level order traversal. Okay, hum log pehle question kar chuke hain level order traversal, par hum log yahan reverse bola hai level order traversal. Chaliye dekhte hain question kya bol raha hai hamara. To hum log pehle dekhe the jo hum log pichli video mein maine dekha bataya tha jo question tha level order traversal, to print mein kya karna tha 10 20 30 40 60. पर हमारे रिवर्स लिखा है, रिवर्स मतलब हमें रिवर्स प्रिंट करना है. तो कैसे प्रिंट होगा हमारा 40 60 20 30 एंड 10, तो इस तरह में प्रिंट करना है. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले वाले कोड में ही कुछ चेंज कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा. तो आप लोग सही सोच रहे हैं, बस हमें थोड़ा चेंजेस करना है पीछे वाले कोड में ही, बस उसी से हमारा काम हो जाएगा. चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि करना कैसे है. तो मैं क्या किया हूं, यहां पर मैंने यहां थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 5 6 7, पर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो पहले मेरा आंसर क्या होगा 4 5 6 7, मतलब लास्ट ऑर्डर, फिर इसके ऊपर वाले लेवल पे आएंगे 2 3, फिर इसके ऊपर लेवल पे आएंगे 1. तो ये हमारा आंसर होगा बेसिकली इसका, ठीक है. तो चलिए उसी तरह मैं प्रोसीड करूंगा जैसे पिछले वीडियो में मैंने किया था. तो मैं यहां ऑलरेडी यहां एक क्यू मेंटेन करूंगा मैं यहां पर जैसे पिछले वीडियो में किया था मैंने, ठीक है. और स्टार्टिंग में 1 को इंसर्ट कर दूंगा क्यू पे, ठीक है. अब क्या करूंगा, जैसे हमारा 1 डिस्कवर होगा क्यू के अंदर में, मैं चेक पहले उसको तो आंसर पे डाल दूंगा. पहले आंसर में डाला मैंने उसे, ठीक है. और पिछले मैंने क्या किया था, पहले लेफ्ट चेक किया, लेफ्ट है तो लेफ्ट को इंसर्ट किया था, और फिर राइट को चेक करके राइट को इंसर्ट किया था. पर मैं यहां उल्टा करूंगा, मैं पहले यहां क्या करूंगा, देखूंगा राइट यहां एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो मैं पहले उसको इंसर्ट करूंगा राइट वाले को, ठीक है. फिर चेक करूंगा कि हमारा लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो मैं उसको यहां इंसर्ट कर दूंगा 2 वाले को, ठीक है. अब मैं ये क्यों कर रहा हूं आपको बाद में समझ में आएगा, पहले इसको मैं प्रोसीड करता हूं आगे, ठीक है. तो फिर 1 को मैं यहां पॉप कर दूंगा आंसर से. अब क्या आएगा, हमारा 3 एक्सप्लोर होगा, ठीक है. जब 3 एक्सप्लोर हुआ, पहले मैं 3 को आंसर में डालूंगा, ठीक है. अब इसका राइट डालूंगा, फिर लेफ्ट डालूंगा. तो राइट में कौन है हमारा 7 है, और फिर लेफ्ट में कौन है 6 है, ठीक है. अब क्या करूंगा मैं यहां पर 3 को पॉप कर दूंगा. अब हमारा 2 एक्सप्लोर होगा, तो 2 आंसर पे आया. फिर 2 के पहले राइट को डाला, तो राइट पे कौन हमारा 5 है, और लेफ्ट पे कौन है 4 है, ठीक है. फिर 2 हमारा पॉप हुआ, फिर 7 एक्सप्लोर किया, 7 डाला, उसका लेफ्ट राइट कुछ है नहीं तो कुछ नहीं होगा, सिंपली पॉप हो जाएगा. फिर 6 हमारा पॉप हुआ, तो 6 को मतलब 6 हमारा एक्सप्लोर हुआ, 6 को मैंने प्रिंट किया, ये 6 है, और फिर उसका लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, सिंपली इसे मैं पॉप कर दूंगा क्यू से. फिर हमारा 5 एक्सप्लोर होगा, तो 5 मैं आंसर में डालूंगा, और इसका लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, ये भी निकल गया. फिर 4 डाल दूंगा, और 4 अपना काम खत्म. अब आप देखिए क्या ये मेरा आंसर है, तो आप बोलेंगे नहीं. बट मैं अगर बोलूं क्या ये रिवर्स में अगर देखेंगे इसको तो ये हमारा आंसर है, तो आप बोलेंगे यस. कैसे, 4 5 6 7 2 3 1, हमारा यहां आंसर क्या था 4 5 6 7 2 3 1. तो आप देख सकते हैं हमारा वही आंसर है हमारा जो चाहिए था. तो ये क्यों हुआ, आप सोचे पहले क्यों ऐसा हुआ. ठीक है, पिछले बार मैंने क्या किया था, लेफ्ट और राइट ढाला था, तो हर समय क्या हो रहा, हमारा जो लेवल है ना, मतलब और लेवल वो सीधा स्टोर हो रहा था. इस बार मैंने क्या किया, पहले राइट ढाला फिर लेफ्ट ढाला, तो हमारा लेवल उल्टा स्टोर हुआ, ठीक है. हाँ, तो ये हुआ यहां पर. तो अगर हम लोग इसको राइट लेफ्ट डाले तो पहले ये स्टोर हुआ फिर ये स्टोर हुआ, तो उल्टा हो गया, ठीक है. तो हमारा सब लेवल उल्टा उल्टा स्टोर हो रहा है, ठीक है. और फिर हम लोग उसको रिवर्स कर दे रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो लास्ट लेवल है वो उस अगर रिवर्स कर देंगे तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगा लास्ट लेवल, और फिर उसके ऊपर लेवल उसके पास में रहेगा, फिर उसके पास पर रहेगा, इस तरह आंसर आएगा. तो सिंपली बस यही करना है, और फिर फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको बस रिवर्स कर देना, सिंपली हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट होता है. चलिए फटाफट आपको कोड करके दिखा देते हैं. तो यहाँ वेक्टर ले लेते हैं इंट ए एन एस, ठीक है. अब पहले वही बेस केस चेक कर लेता हूँ, इफ नॉट रूट, हमारा रूट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हम लोग, ठीक है. ये वॉइड टाइप है तो वहाँ कुछ नल वल नहीं लिखा, सिंपली रिटर्न कर देंगे हम लोग, ठीक है. अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू लेंगे, तो क्यू क्या लेंगे हम लोग, नोट टाइप लेंगे. सॉरी नीचे कैसे आ गया, नोट टाइप लिया हमने क्यू, ओके. और क्यू पे मैंने जैसे बोला था पहले स्टार्टिंग में ही मैंने रूट को पुश कर दूंगा क्यू में, ठीक है. और सिंपली वाइल लूप चलाऊंगा, वाइल नॉट क्यू डॉट एम टी, ओके.
और सिंपली जैसे पिछले बार क्या था, मैंने नोड टी ले लिया था और क्यू डॉट फ्रंट निकाल दिया, ठीक है। बस अब एनएस में क्या करूंगा, मैं पुश कर दूंगा क्यू का डेटा, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारा स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा डेटा है लेफ्ट है और राइट है, ठीक है, ये दोनों है, तो वो डेटा हम लोग को चाहिए सिंपली, तो वो पुश कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ क्या बस डिफरेंट हुआ, हम लोग पहले चेक करेंगे, यहां पर हम सिंपली चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पहले राइट है कि नहीं, अगर है तो सिंपली क्यू डॉट पुश हो जाएगा, ठीक है, राइट। इसी तरह चेक करेंगे हम लोग अगर क्यू क्यू नहीं टी लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिंपली क्यू डॉट पुश करेंगे क्या हम लोग टी का लेफ्ट, ठीक है, और जो करेंट नोड है हमारा उसे पॉप कर देना है, बस यही करना था। और आर ई वी ई आर एस सी, बस सिंपली हम लोग एरे को वेक्टर को सिंपली रिवर्स कर देंगे, तो ये रिवर्स कर आईडी हमारा एस टी एल है, इसमें सी प्लस प्लस में सिंपली हम लोग उसको रिवर्स कर दिए। और यहाँ वॉइड टाइप है तो हमें यहाँ प्रिंट करना है, तो आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन ए एन एस डॉट साइज आई प्लस प्लस, और सिंपली मैंने सी आउट कर दूंगा ए एन एस ऑफ आई और स्पेस के साथ। चलिए अब इसे समझ कर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या एरर दिखा रहा है, सॉरी ये क्यू नहीं होगा हमारा, यहाँ पर होगा हमारा टी डॉट टी का डेटा होगा, और यहाँ एक एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने ये। चलो अब सबमिट करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। अब क्या आ रहा है, सॉरी ये पुशबैक होगा, ये सिली मिस्टेक होते रहता है। हाँ तो चलो इस बार हमारा सही आंसर आया, ठीक है। तो ये बहुत इजी सॉल्यूशन था ये भी, बस पिछले बार जैसा था, बस यहाँ डिफरेंस क्या था हमारा, हमने पहले यहाँ पर राइट को डाला, फिर लेफ्ट को डाला, फिर जो हमारा आंसर आया ठीक उसका रिवर्स ही हमारा आंसर रहेगा उसमें, ठीक है। और फिर उसे प्रिंट कर दिया हमने, यहाँ भी सेम होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है कि हमने यहाँ क्यों यूज़ किया है, और टाइम भी ओ ऑफ एन चल रहा है हमारा, क्योंकि सारे नोट एक एक बार विजिट हो रहे हैं हमारे। बस यही था ये सोल्यूशन यहाँ पर। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते रहिए और हमें सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा सब्सक्राइब नहीं किए हो, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।